ਕਦੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪੱਗ ਵੀ ਪੰਜ ਦੋ ਦਫਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੰਗ ਪੀ ਜੋ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਹ ਆਈਏਗਾ ਉਹ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਹੈ ਸੁਣ ਮੁੰ ਬੁਕਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਅੱਤੇ ਬੂਟੀ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਈ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੰਗ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਭੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਓ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਰਾ ਤਾਰਾ ਸੈੱਟ ਲਾ ਕੇ ਆਇਓ ਝੂਲੇ ਲਾ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮ ਤਾਲ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮੈਂ ਹੂੰ ਅਵੈਸ ਖਾਨ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ FHD ਨਿਊਜ਼ HD आज जिस इंटरेस्टिंग इशू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है भंग। भंग की काश्त पर जो है वो अमूमन पहले पाबंदी लगा दी गई थी, अब जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमते पाकिस्तान की जानब से भंग की काश्त पर पाबंदी खोल दी गई है कि भंग को आप जिस तरह चाहें काश्त कर सकते थे। वो भंगी हजरात जो हैं उनमें खुशी की एक लहर दौड़ गई है। तो आज फैसलाबाद में हम घूमेंगे और जो भंग पीते हैं, जो भंगी हैं, जिनको नहीं पता उनको भी बताएंगे कि ये हुकूमत पाकिस्तान की जानब से ये फैसला सामने आया है और उनकी एक खुशी के तासरात और उनसे बात करके उनसे ही जानेंगे कि इसके क्या फवायद हैं, ये क्यों लोग पीते हैं। तो आइए चलते हैं, फैसलाबादियों से जो भंग पीते हैं उनसे जानते हैं कि वो भंग क्यों पीते हैं। तो नाजरीन, ये हमारे साथ जो भंगी भाई बैठे हैं ये अभी काफ़ी गुस्से में भी लग रहे हैं और मुझे लगता है सेट नहीं लगाया इन्होंने, तो इनसे हम पूछते हैं कि क्या फ़ायदे हैं भंग के, क्या मिलता है। भाईजान की हाल है? अल्लाह का शुक्र है। क्यों तुपे क्यों बैठे हो यार, गुस्सा गुस्से जो कोई तुसी गुस्सा चढ़ाने लगे जैसा नु हूं की कहता इससे तुम खुशखबरी दी है कि वजीर आजम ते हुकूमत पाकिस्तान की जानब तो भंग की काश से पाबंदी हटाती है, खुलेआम पियो झूले लाल भले लाल वो किदा वो तुसी हुन पी सकदे हो, जो काश होनी तो फिर पीने ते कादी पाबंदी हुई कदी फड़े गया भंग पीने ओ पाने दो दफा लै गए जेने सानू करती जे इन्होंने क्यों ए जो असी बना के पीन लगे जे ये सानू चाके लै जांदे जे ते की हुंदा फिर की फिर उत्थे जाके कहिंदे पैसे दिओ ते जाओ। हुण भंग पीना हुंदा की है वैसे, सही सही दस। भंग पीना भाई 2500 मसले हल हो जांदे ने, तुसी भी भंग पियोगे ना तुसी भी सुकून च रहोगे जे। सुकून च किदां दा सुकून च आ कि तुसी जो सोचोगे ना ओ ताड़ी सोच खत्म हो जाए, तुसी जरा आराम ना पंग पी के जो सोचांगे वो आइएगा, ओ आ भी सकदा है जा भी सकदा। अखा अगे आइएगा के सचमुच आइए, अखा अगे की ताड़े दिमाग च भी आइएगा। मैं 25 करोड़ रुपया चाहिए मैनू पंग पी के आइए। 25 करोड़ ते हुण तुहानू पता है तुसी पंग पियो ते सोची पायो, 25 करोड़ समझो तुहानू आ गया। जे ना पीती होवे ते फिर की हुंदा? फिर की हुंदा, फिर यही हुंदा कि इहनू मार दो या मैं मर जा। ए ते बड़ा खतरनाक काम है। बंदा सुकून ना जांदा जाके पुटदा, पुट के फिर उन्हें रगड़ो फिर उन्हें बालो, उते बड़ी मेहनत होंदी है, मेहनत करके फिर ही। वजीर आजम नु की पैगाम दिंदे हो उन्हें तुहाडे आसे की? वजीर आजम नु असीं यही कहने कि जेड़ा इन्ने इन्ना का सिस्टम खोल दिता जे कि सारा कुछ ही खोल दे, चर्स हर शायद पाबंदियां खोल देन, हर शायद लोग मजे च रहन, झूले लाल का हर हर वक्त जो मजे च रहन। यार असी यही कहने के ओही नशा होवे जेड़ा ना अगले दा नुकसान च होवे ना सानू नुकसान। वो केड़ा केड़ा नशा है भी जरा नाजरीन नु दस दी असी के वो केड़ा नशा है? देखो कि बंदा जे बर्बाद नहीं ना होना चाहता, सुकून ना भंग बूटी पकौड़े खा लेवे। पकौड़े पकौड़े भी होंगे भंग वाले खादे, वो भी थोड़ा खाते खा के बंदा उतो बूटी का गिलास पी लेवे। यह गल सच है कि भंग पी के चपेड़ मारो तो पता ही नहीं लगता बंदे चपेड़ वजी है सुन मुकमन हो जाता। भाई अस्ते बूटी पी के असी सोई दा सानू पता ही नहीं हुंदा। परस गुम गया तुसी बड़े चुप बैठे? हाँ जी परस गुम गया चुप बैठे? नहीं ये भंग दी वजह से चुप बैठे हुए। भंग चुप ला दें? हाँ जी। घुट लाया? घुट नहीं, 3-4 प्याले पीते डेली। रख 3-4 प्याले पीते है इस टाइम? ये गर्मी नहीं लगती भाई तुपे बैठे? गर्मी लग रही पई है, हम पहले 3-4 पी गए तो गर्मी थोड़ी पिछे हो गई, नहीं तो सारी जा रही गर्मी का तोड़ है। पी सकते हो तुसी, लोकी भी पी सकते हैं? हाँ जी। गलती चीज़ नहीं है? गलती चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। ठंड पा दें अंदर ये बंदे सरदाई है? हाँ जी सरदाई है। ये सरदाई ना भी बहुत ही मज़ेदार है। इहदा टेस्ट किदां दा हुंदा? इहदा टेस्ट कमाल दा ही हुंदा वा, बंदा जदों पी लैंदा ना ये तुसी अपने ते जज़्ब कर लो, तुसी पी लो तुहानू भी पता लग जाएगा। की पी के मैं ना हुआ, मैं डिगे आवा किते? डिगना क्यों, ये बंदे अपने आप होश से आ जांदा, बंदे नु पहले बेहोश कर दी है फिर होश ले गया। होश ले आंदी? होश किदा ले आंदी है, मुंह ते पानी पैंदी है? ए सुकून ना पी के हुन देखो धुप्पे बैठे आना
सानू सुकून आ, जे बंदा ना पीवे तो समझो मर गया। खुश हो गए भंग हूँ सरेआम होएगी, तुहानू पहले नहीं सी पता? नहीं सानू की पता, तुसी आके दस्या जी। बिल्कुल नाजरीन इत्थे तुसी देखिया इन्हां दे जिहड़े तासरात भी ने, तुसी आप ही सुने, पंग पियो ते जियो, ये पंगियां दा पैगाम। तो नाजरीन हमारे साथ यहाँ पर एक और भाई मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। भंग कभी पी है? बिल्कुल पीती है, भंग पीती है जी, क्यों नहीं पीती है। की बज की है भंग पी के की होंगे? भंग पी के तो पी सौ जाओ, तो रोटियां जड़िया ना तो खाई आवो, दस भी रोटियां, चाली रोटियां दा पता नहीं लगता गई कितने ने, दस भी मतलब भंग पीने वाले कोई परवाह? कोई परवाह नहीं। कित नहीं तो तुसी पींदे हो भंग? मैं पीना जी। अल्लाह की रहमत ना सेहत ते तुहाडी जिहड़ी ओ जिदन दा खान साहब उन्होंने कहा भंग आजाद है, भंग ठीक है पीओ, उदन दी पी रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने लगता आप भी पीती है। हूँ मैं लगता तारा तारा सैट ला के आए हो, झूले लाल झूले लाल दे खुशियां गम टाल। नहीं तो पी के की हुंदा की है? वैसे हुंदा है ये एक पी के ना जुम हो जाता है, कोई जुम मरे कोई जीए बुम बुम सब कुछ, सब कुछ रोटी आंदी तो खाई जाए, तो ताती तो इमरान खान ने इमरान आटे का जाड़ा किया है। यानी कि तुम हूँ किन्ने प्याले पीते जी? मैं पीता अद्धा पीता है। अद्धे ने ही पूरा निजाम जरा जगड़बंद लगा हुआ। इमरान खान ने कहा आस्ता आस्ता पियो, मैं दो पीना है, अद्धे तो शुरू करो तुसी सेट हो जाओगे, बकाया चीजा कोई ना करो। यानी कि ये चीज सही हैगी है भंग? नहीं नहीं सही है, रोटियां दे खान दे मतलब किसी नाल पी के ना सिर हुंदा किते ना लड़दा ना भिड़दा है। इहदे इह करके मतलब बंदा लड़दा नहीं ना, जिदा इमरान खान है वह सुनता ही नहीं किसी खान साहब तो लड़ता ही रहा हर किसी। नहीं नहीं वो लड़ता ही कौन कहता है, जो मर्जी कहते जाए मैं सुकून च मैं बूटी पीती है। तुसी हुण की पैगाम देंदे हो कि भंग जिहड़ा वै वो एक अच्छी चीज़ है? बिल्कुल भंग सही है। की पैगाम देंदे हो खान साहब? मैं तो कहना खान साहब जिते भंग तो पाबंदियां चुकी है ना तो दूसरे भी चुक लो, तुम भी खुश असं भी खुश है। तुसी ये हर बंदे नूं नशेई बनाना चाह रहे? हाँ असं कहने कि पाकिस्तान पूरे नूं खान साहब बना दे, तुहाडे रिक्वेस्ट है तुहाडे अगे। नाजरीन आपने यहाँ पर जो भंगियों के ये जो तासरात मिले जुले सुने, मजीद और भी बात करते हैं। नाजरीन उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। भंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आता है, आज के इस प्रोग्राम में आपको बताया, और भंगी हजरात जो हैं वो इस फैसले से कितना खुश हैं कितना नाखुश हैं वो भी आपने सुने, और उनकी जानब से यही कहा गया कि खान साहब की क्या बात है, खान साहब ने भंग की तैयारी भंग की काश्त पर जो है वो पाबंदी हटाई है तो उनका कोई जोर नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगले प्रोग्राम और अगले इंटरेस्टिंग इशू को देखने के लिए देखते रहिए FSD News HD। अपने मेज़बान अवैस खान को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।